हेलो एवरीवन, दिस इज अनु ठाकुर एंड यू आर वाचिंग सुपर हीरो रिपोर्ट। आज मैं बात करने वाली हूँ साल 2023 की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी एंटमैन 3 के ट्रेलर पर। आई नो ये वीडियो एक दिन लेट है, लेकिन क्या करूँ, डिटेल्स ढूंढने में टाइम तो लगता ही है। हाँ, सर्दी है तो थोड़ा आलस भी, लेकिन आज इन टॉप 5 हिडन डिटेल्स पर हम बात करेंगे, वो बहुत कमाल की होने वाली है। एंड डिटेल नंबर 1 तो आपका माइंड ब्लो कर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले डिटेल नंबर 5 से शुरू करते हैं, जो कि मोडॉक के कैरेक्टर को लेकर है। जी हाँ, बड़े से कद्दू जैसे सर वाला ये विलेन कॉमिक्स में तो खुद की ओरिजिन रखता है, क्योंकि इसको एम वालों ने बनाया था। लेकिन एमसीयू में मोडॉक कोई और नहीं बल्कि एंटमैन 1 से येलो जैकेट को बनाया गया है, और दोनों ही रोल एक ही एक्टर ने प्ले किए हैं। एंड स्कॉट के कारण क्वांटम रियल में फंसा था, तो ये एंटमैन फैमिली का जानी दुश्मन तो है ही, और अब ये कैंग के साथ भी काम कर रहा है। और ऐसा होने के बहुत हद तक चांस है कि कैंग को एंटमैन के खिलाफ भड़काने का काम भी इसी ने किया हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम बढ़ते हैं डिटेल नंबर 4 की तरफ, जो कि काफी अमेजिंग है। तो ये बात तो सबको पता है कि एंटमैन 3 में स्कॉट की डेथ तो हो जाएगी, लेकिन ट्रेलर से ये बात भी साफ हो जाती है कि यहाँ एक नहीं बल्कि हजारों की संख्या में एंटमैन मरने वाले हैं। एंड यस, हमारा ओजी एंटमैन भी कैंग को हराने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देगा। तो बाकी सुपर हीरोज की तरह एंटमैन पर भी टायोलॉजी कर्स लागू होता है, और इस बेचारे को तो अपनी जान ही गंवानी पड़ेगी। डिटेल नंबर 3 की बात करें तो हमने कैंग को ट्रेलर के इस शॉट में अपने हाथों से पावर ब्लास्ट छोड़ते देखा, लेकिन कॉमिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। कैंग की अपनी कोई भी सुपर पावर नहीं है, वो बस ऑलवेज डिपेंड रहता है अपनी फ्यूचर टेक और अपने जीनियस ब्रेन पर। लेकिन ये एमसीयू है जहां कॉमिक्स से बहुत कुछ चेंज कर दिया जाता है, तभी तो सीक्रेट वॉर्स में कैंग का एक वेरिएंट बियॉन्डर भी होने वाला है। डिटेल नंबर 2 में हमें उस सवाल का आंसर भी मिल जाता है कि आखिर कैंग, जो कि खुद इतना पावरफुल है, वो एंटमैन से क्यों हेल्प मांग रहा है, जिसका रीजन है वो जगह जहां पर एंटमैन को हाइस्ट करने के लिए भेजा जाता है। वहां जाते ही एंटमैन के मल्टीपल वेरिएंट बनने लग जाते हैं, एंड जब वो हेल्प के लिए आती है तो वाके भी मल्टीपल वेरिएंट बन जाते हैं। तो कैंग जो पहले ही मल्टीवर्सल वार लड़ चुका है, वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि उसके मल्टीपल वेरिएंट उसके अराउंड घूमे। आज की फाइनल और अमेजिंग डिटेल पर बात करें तो यही सेम कैंग फैंटास्टिक 4 का विलन भी हो सकता है, क्योंकि जो इसका पैलेस है उसकी सिर्फ सेम टू सेम पिरामिड जैसी। एंड जब एंटमैन कैंग का साथ नहीं देगा तो कैंग पास्ट में टेलीकोट हो जाएगा और वहां जाकर बनेगा रामाटूट। और ऐसे रूमर्स तो बहुत टाइम से आ रहे हैं कि रामाटूट ही मेन विलन होगा फैंटास्टिक 4 का। एंड और भी कमाल हो जाएगा अगर एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट में हमें फैंटास्टिक 4 देखने को मिले, जो कि डायरेक्ट पास्ट में पहुंचे टाइम मशीन की हेल्प से। ऐसा इसलिए भी पॉसिबल है क्योंकि केविन फैगी ने क्लियर कर दिया था कि एमसीयू में फैंटास्टिक 4 के ओरिजिन को एक्सप्लोर नहीं किया जाएगा, तो रामाटूट वर्सेस फैंटास्टिक 4 कोई बुरा आइडिया नहीं है। तो ये थी वीडियो टॉप 5 हिडन डिटेल्स के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना एंड Keep watching Superhero Reports.